पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते पे अक्षरा सिंह ने कह दी बहुत बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह ने उनके रिश्ते पे इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पवन और ज्योति सिंह का रिश्ता? पूरा वीडियो देखें। और वीडियो प्लीज़, अगर आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर कुछ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहलका मच गई है। सबसे पहले कारनामा वहाँ से स्टार्ट होता है जब पवन सिंह ये गाना गाते हैं, जिसे से फंसेगी उसी को डसेगी। वह गाना के दो दिन बाद अक्षरा सिंह का एक गाना आता है कि जिसको चाटेगा वही उसी को काटेगा। जैसे ही गाना आया, पवन सिंह के फैंस काफ़ी ज़्यादा आग बबूले हो गए। तो हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पवन सिंह के एक फैंस ने अक्षरा सिंह से उनसे कुछ सवाल किए हैं, और उसके जवाब में अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के रिलेशनशिप के बारे में बातें कही हैं। उनके एक फैन ने पूछा है, अगर वह इतने ही ख़राब थे तो आप इतने सालों तक उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में कैसे रहे? हाँ, यह भी हो सकता है कि उनकी वाइफ को सुसाइड करने पर तुमने ही उकसाया होगा ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। यह कमेंट था पवन सिंह के फैंस का अक्षरा सिंह के तरफ। तभी अक्षरा सिंह ने पहली बार अक्षरा सिंह ने रिप्लाई किया है। जी हाँ दोस्तों, वह भी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैसे अक्षरा सिंह ने यूट्यूब पे रिप्लाई दिया। वाइफ को भी छोड़ दिया है, डिवोर्स दे दिया है, पहले पता लगा लो। जी हाँ, यही था अक्षरा सिंह का खुलेआम। सबके सामने उन्होंने पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते के बारे में कही थी। यह बहुत बड़ी बात है। अभी तक पवन सिंह और ज्योति सिंह ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा है। तो क्या सच में पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता टूट चुका है? क्या इनके बीच डिवोर्स हो गया है? क्योंकि अगर आप पवन सिंह के फैंस हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता ही चलेगा। अक्षरा सिंह ने इतनी बड़ी बात कह दी, आखिर क्या है पूरा मामला? वैसे भी कुछ दिनों से पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में कुछ हमें टेंशन दिखाई दे ही रही थी, क्योंकि पवन सिंह के बर्थडे पे ज्योति सिंह नहीं पहुंची और ना ही ज्योति सिंह के बर्थडे पे पवन सिंह। इस समय ज्योति सिंह के कुछ अलग तेवर भी हो गए हैं, ज्योति सिंह काफी बदल चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि ज्योति सिंह के जितने भी पोस्ट पवन सिंह के साथ है वो सारे डिलीट हो गए हैं। तो इतनी बड़ी बात जब सामने आई, और आप सभी को याद होगा कि बीच में ज्योति सिंह कुछ दिनों के लिए गायब भी हो गई थी, तो क्या यह सच है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच डिवोर्स हो गया? अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो आप नीचे ज़रूर कुछ कमेंट करें। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर कुछ कमेंट करेंगे। और भोजपुरी की ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।